सब्सक्राइब करिए क्रिकेट विद स्नेहल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। हाय, मैं हूँ स्नेहल प्रधान। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल, जहाँ पे आपको मिलेंगे क्रिकेट टिप्स, कोचिंग ट्यूटोरियल्स और गियर रिव्यूज। और अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कीजिए। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि एक कोचिंग अकेडमी कैसे चुनते हैं। पहले मुझे आप बताओ कि आपकी कोचिंग अकेडमी में फिलहाल क्या क्या फैसिलिटीज हैं। अगर आप एक नए अकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये सब सवाल आपने पूछने चाहिए। नंबर वन, लोकेशन। क्या वो अकेडमी इतनी दूर है कि आप ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग में और कम टाइम क्रिकेट खेलने में स्पेंड करते हो? ये चीज कंसिडर करो, क्योंकि जितना कम टाइम आप ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा वक्त आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। नंबर टू, फैसिलिटीज। क्या उस एकेडमी में बहुत सारे अलग टाइप के विकेट्स हैं? सीमेंट विकेट, मैटिंग विकेट, एस्ट्रो टर्फ और सबसे इम्पोर्टेंट शायद टर्फ विकेट। क्या उन अलग अलग कंडीशंस में आपको प्रैक्टिस करने का चांस मिलेगा? क्या उस एकेडमी में अच्छे क्वालिटी के बॉल्स यूज किए जाते हैं? क्या उस एकेडमी में कोच टू स्टूडेंट रेशियो अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे और एक ही कोच, ऐसा नहीं है? तो ही आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोफेशनल पर्सनल अटेंशन मिल सकता है। नंबर थ्री, क्या उस एकेडमी का खुद का एक बड़ा सा ग्राउंड है? अगर बड़ा ग्राउंड है तो एडवांटेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ओपन नेट्स कर सकते हो, वहाँ पे आप मैच प्रैक्टिस कर सकते हो, मैच सिमुलेशंस कर सकते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप वीकेंड्स पे मैचेस खेल सकते हो। अगर वहाँ पे उनका खुद का ग्राउंड नहीं है तो उन्हें पूछिए कि वीकेंड पे मैच खेलने के लिए क्या वो अलग अलग ग्राउंड्स पे आपको लेके जा सकते हैं क्या, क्योंकि नेट से ज़्यादा ज़रूरी है मैच प्रैक्टिस। नंबर फोर, क्या उस एकेडमी में फिटनेस और फील्डिंग पे ध्यान दिया जाता है? अब ध्यान रखो कि कभी कभी बैटिंग नहीं मिलती है, पर कभी कभी बॉलिंग नहीं मिलती है, पर फिटनेस और फील्डिंग ऐसे चीज़ है जो हमेशा क्रिकेट में टेस्ट होते रहते हैं। तो क्या वो उस एकेडमी में अच्छा एक फिटनेस प्रोग्राम है? क्या उस एकेडमी में एक अलग सा फिटनेस ट्रेनर है? और क्या उस एकेडमी में सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं पर फील्डिंग पे भी ध्यान दिया जाता है? ये भी सवाल पूछना। नंबर फाइव, उस एकेडमी में ऑफ सीजन में क्या होता है? जब बारिश गिरती है तब क्या होता है? अब इंडिया में 4 महीने ऑलमोस्ट मानसून चल सकता है, तो 4 महीने साल के अगर वो एकेडमी बंद रहती है बारिश के वजह से, तो उन 4 महीने में उनका प्रोग्राम क्या होता है? क्या वो ऑफ सीजन फिटनेस ट्रेनिंग कहीं और लेते हैं? क्या उनके पास एक सीमेंट एरिया है जहाँ पे आप बारिश में भी प्रैक्टिस कर सकते हो? ये चीज़ ज़रूर पूछना, नहीं तो आपके पूरे साल के फीस में से 4 महीने वेस्ट जाएंगे। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस एकेडमी में कोचेस कैसे हैं? अब वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये पूछ सकते हो कि अगर वही कोई फेमस प्लेयर की एकेडमी है तो क्या वो फेमस प्लेयर खुद वहाँ पे आके वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, वहाँ पे एडवाइस देते हैं? उस एकेडमी में आप देख सकते हो कि BCCI अक्रेडिटेड कोचेस हैं कि नहीं। अब BCCI के लेवल 1, 2, 3 या ABC लेवल के कोचेज होते हैं, तो क्या ऐसे कोचेज उस अकेडमी में सिखाते हैं? क्या उस अकेडमी के कोचेज ने वो क्वालिफिकेशन पास किया है? अब ध्यान रखो कि अच्छे कोच और एक BCCI अक्रेडिटेड कोच हमेशा सेम नहीं रहता है। मैंने बहुत सारे कोचेस से सीखा है जो BCCI के सिस्टम के पहले थे, उनका कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, पर वो बहुत अमेजिंग कोचेस थे। तो वो चीज़ जज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स से बात करना पड़ेगा, बाकी क्रिकेटर्स से राय लेनी पड़ेगी, तो आपको अंदाज आएगा कि वो कोच कैसा है। सिर्फ क्वालिफिकेशन पर मत जाना। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी मैं कि वहाँ पे उस एकेडमी में पूछिए कि वहाँ पे लाइट्स हैं क्या, तो आप रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहते हो, आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा वो एकेडमी यूज़ करने का। और दूसरी चीज़ वहाँ पे चेक कीजिए कि वहाँ पे एक अच्छा सा कैंटीन है क्या एकेडमी से जुड़ा हुआ या एकेडमी के आसपास, जहाँ पे आपको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिल सकता है प्रैक्टिस के बाद। बेस्ट होगा कि आप घर से ही कुछ पैक करके लाओ, पर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको प्रैक्टिस के बाद सही न्यूट्रिशन मिलने के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये हुई जनरल गाइडलाइंस, पर आपके लिए सही एकेडमी कौन सी है? मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हो तो लोकेशन पे जाओ, जो आपके पास की जो भी एकेडमी होगी वहाँ पे ज्वाइन करो, और जब आपको आपके ही टैलेंट के का एक अंदाज आएगा, जब आप थोड़ा बहुत आपके क्रिकेट में आगे बढ़ोगे, तो आप एक कोच के हिसाब से एकेडमी चूज़ करो, जहाँ पे एक अच्छा कोच है जो आपको एक अच्छा गाइडेंस और मार्गदर्शन दे सकते हैं, वहाँ पे उस एकेडमी में आप जाइए, भले वो 1 घंटा भी दूर हो। क्योंकि अपने इंडिया में एक कहावत है, गुरु बिना गति नहीं, और ये चीज़ क्रिकेट में अगर आपको आगे खेलना है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई ऐसे फ्रेंड को जानते हो जो यही सवाल पूछ रहा है कि एकेडमी कैसे चुने, तो उनको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना और यहाँ पे एक थम्स अप छोड़ दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट।